हरियाणा विधानसभा के चीफ व्हिप रामकुमार कश्यप ने इंद्री के सिंचाई विभाग में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनी। काफी समस्याओं को मौके पर समस्याओं का समाधान कर अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जनता के कामों में अधिकारी रुकावट न बने, जनता के कार्य समय पर करे ताकि जनता के काम समय पर सके। समस्या जो है, मैं कई समस्या तो ऐसी है जैसे पुलिस की है, थाने की है, बिजली की है, सड़कों की गली नालियों की है, तो ये तो देखो रूटीन के मैटर है। बाकी जो ज़्यादा समस्या लेकर के आ रहे हैं, हालांकि सभी को पता है भी आज जो हरियाणा की सरकार जो है, हमारे नायब सिंह सैनी की जो सरकार है, पूरी नौकरियों के मामले में पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है, ठीक है ना, बिना पर्ची काम कर रही है खर्ची। और जो देखेगा पेपर होते हैं, जो पेपर में पास होता है मैट आती है उसको नौकरी लग जाती है, उसमें यह नहीं देखा जाता वो किस पार्टी का है, बिना भेदभाव के सभी नौकरियाँ लग रही हैं। आप देखिएगा इससे पहले इलेक्शन से पहले 1,42,000 नौकरियाँ लगाने का काम करें, अब शपथ लेते ही माननीय नायब सिंह सैनी ने 25,000 युवाओं को फिर ज्वाइनिंग कराने का काम किया। आगे और बहुत सी नौकरियाँ अब निकलने वाली हैं और कई नौकरियाँ प्रोसेस में हैं, तो इस प्रकार से नौकरियों को जो काम है बड़ा पारदर्शी चल रहा है, इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। तो फिर भी हमारे कोई कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ इंद्रीवासी हैं, फिर भी अपने नौकरी के बायोडाटा लेकर के आते हैं, देखो हम उनको समझाते हैं भी आप इनसे टेस्ट दवाए, या फिर कच्ची नौकरियां जब कभी निकलती हैं तो उसमें उनको भी पूरी पारदर्शिता से देखो, उसमें इनकम क्राइटेरिया भी है जो हम हरियाणा कौशल रोजगार के निगम से लगाते हैं नौकरियां, उसमें भी जो है इनकम का क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है, लोकेलिटी का है, ठीक है ना, सारी बातें देख करके वहाँ भी कच्चे कर्मचारी लगाने का काम करते हैं, वो लगाते हैं वहाँ पर जहाँ पर कोई डिमांड आती है। तो ये मामले हैं, नौकरियों के मामले काफ़ी आ रहे हैं, जो मुझे मिल रहा है मैं देख रहा हूँ 98% नौकरी को देख रहे हैं। मैं मानता हूँ उनकी समस्या तो जायज़ है, परंतु अब गवर्नमेंट एक सिस्टम बना रखा है, ठीक है ना, फिर भी कहीं ना कहीं देखते हैं इनको कैसा रोजगार हम दे सकते हैं, हमारी सरकार दे सकती है, उसमें हमारा प्रयास जारी रहेगा। सरकार ने 100 गज प्लाट देने की अभी बात की, अभी जल्दी 100 गज के जो प्लाट है गरीब जनता को दिए, क्या तैयारी? देखिए मेरे संज्ञान में ऐसा मामला नहीं है, देखिएगा अभी आज की डेट में जो है किसी भी पंचायत को या मतलब कोई ऐसा लेटर सरकार का नहीं है भी आप प्लाट दे सकते हैं, ठीक है नहीं, तो पंचायतों में तो इसके लिए सरकार जो है वचनबद्ध है, सभी एक सर्कुलर के माध्यम से, एक लेटर के माध्यम से सारे हरियाणा के पंचायतों को पावर दी जाएगी, अगर कहीं पर जरूरत लगता है कि वाकई मतलब गरीब लोग परेशान हैं, उनको प्लाट की जरूरत है और वहाँ पर जगह भी है, पंचायत की होनी भी चाहिए, तो वहाँ पर निश्चित तौर से तो उसको उनको सरकार जो है एक नोटिफिकेशन के माध्यम से उसको जो है उनको परमिशन देने का काम करेंगे ताकि वो अपने प्लाट काट सके। इसके अलावा कोई प्लाट की कोई ऐसी स्कीम सरकार के लिए है, कहीं मेरे घर में मेरे पे आए थे वो भी फार्म भर रहे थे, मुझे लगता है वो कहीं उनके साथ धोखेबाजी कर रहा है कोई ना कोई जो अगर फार्म भर रहा है, तो ऐसा कोई नहीं है मतलब भी जो 100 गज के प्लाट जिनको दिए जा रहे हैं। सर लाडू लक्ष्मी योजना पर किस तरह का काम चल रहा है अभी? जो देखिएगा वो एक देखिएगा ये पार्टी की तरफ से घोषणा है, इलेक्शन के दौरान की थी भाई, जो इलेक्शन के बाद जो है हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपये भेजने का काम करेंगे, तो उस पर मैं समझता हूँ उस पर फार्म पूर्ण भरे जा रहे हैं, प्रोसेस है, प्रोसेस चालू है, ठीक है ना, जैसे जैसे प्रोसेस मतलब कम्प्लीट होगा तो उसको उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाएगा। विकास कार्य को लेकर क्या प्लानिंग तैयार की गई है? विकास कार्य का देखें नायब सिंह सैनी की जो सरकार है बहुत ही एक्शन मोड में है, विकास को लेकर के सभी विधायकों को मंत्रियों को विशेष रूप से हम सभी को हिदायतें दे दी गई हैं, हमने गांव में कितने काम हमारे कंप्लीट हो गए उनका उद्घाटन करना है, कितने काम शुरू होने हैं उनका शिलान्यास करना है, कितनों के लिए आगे पैसे की जरूरत होगी, सड़कें कितनी बननी, सारा एक खाका तैयार कर लिया गया, सभी विधायकों को उस काम में लगा दिया गया, तो पूरी स्पीड से हम सभी जो उसमें काम कर रहे हैं। कब तक शुरू हो जाएगा? बिल्कुल देखिए काम शुरू हो गए हैं, जो काम है हमने सभी को देखे, इसमें एक थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो काम होते हैं 5 लाख से ज़्यादा के या 10 लाख से ऊपर होते हैं वो तो उससे कम वाले तो देखो डिपार्टमेंट करा लिया जाते हैं, उनमें तो कोई देर नहीं होती, बाकी कुछ काम ऐसे जिनके अमाउंट ज़्यादा लगनी है तो वो टेंडर के माध्यम से हो गए, सभी टेंडर मैंने अधिकारियों से सारी इसके छानबीन की है, सभी टेंडर प्रोसेस में, अभी बहुत 15-20 दिन का टाइम होता है, 15-20 दिन के बाद टेंडर खुलने के बाद सभी काम जो है इनके शुरू कर दिए। इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।